समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर कंफ्यूजन के हालात हैं। मुरादाबाद से एसटी हसन की जगह रुचि वीरा का नाम आगे किया गया, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि रुचि वीरा का नामांकन से उन्हें रोक दिया गया है। एसटी हसन कल ही पर्चा भर चुके हैं। पार्टी ने लखनऊ से मुरादाबाद के लिए चार्टर प्लेन बुक कराया। थोड़ी देर बाद चार्टर प्लेन मुरादाबाद के लिए उड़ेगा। माना यह जा रहा है कि रामपुर प्रत्याशी का नामांकन पत्र चार्टर प्लेन से जा रहा है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कहां संशय फंस रहा है समर्थ? अर्पिता, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि रामपुर और मुरादाबाद की सीट को लेकर असमंजस की स्थिति थी, और जो नया नाम मोहिबुल्ला का सामने आ रहा है, मोहिबुल्ला नदवी हैं, दिल्ली के मस्जिद से हैं, और इनको बेसिकली सपा अब रामपुर से खड़ा करना चाहती है। ये आजम खान के खेमे से नहीं है, मैं साफ कर दूं आपको। और कहीं ना कहीं आजम खान जिस तरह से पहले अखिलेश यादव से कह रहे थे कि वो चुनाव लड़े, और कई बातें सामने आई, फिर रुचि वीरा को सामने आई, जिसका कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो गई। रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आलाकमान ने हालांकि इसका भी विरोध किया, और अब पार्टी ने सूत्रों के मुताबिक स्टैंड लिया है कि वो आजम खान के सामने बहुत झुकने वाले नहीं है। इसी वजह से ये नया चेहरा जो है इनको दिल्ली से बुलाया जा रहा है मुरादाबाद नामांकन के लिए। अगर आप लखनऊ से मुरादाबाद की दूरी देखेंगे तो आप बाय रोड देखेंगे तो लगभग 8 घंटा लग जाता है। तो अब 3 बजे नामांकन खत्म होना है, इसलिए समाजवादी पार्टी चार्टर्ड प्लेन के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स है नामांकन के लिए उनको चार्टर्ड प्लेन के जरिए लखनऊ से भिजवा रही है। कहां पर? मुरादाबाद में। तो वहीं दिल्ली से जो प्रत्याशी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है मोहिबुल्ला, वो पहुंचेंगे दिल्ली से रामपुर पहुंचेंगे, और रामपुर पहुंचेगा चार्टर्ड प्लेन उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वहीं पर 3 बजे से पहले नामांकन कराना है। समाजवादी पार्टी की ये सोच है। रामपुर को लेकर बहुत कंफ्यूजन था पहले। आजम खान ने अखिलेश से कहा, अखिलेश ने तेज प्रताप यादव का नाम सुझाया, तेज प्रताप यादव ने कल इस बात को लेकर कहा कि वो श्योर नहीं है रामपुर से लड़ने के लिए, जिसके बाद आजम खान की तरफ से एक पत्र जारी किया गया। क्या जरूरी केवल मैनपुरी, आजमगढ़ और इटावा है? क्या रामपुर इन सारी चीजों के बाद आता है? ये पत्र में आजम खान ने साफ लिखा था और नाराजगी जताई थी, और इसी वजह से बहिष्कार का भी कहीं ना कहीं उन्होंने बात कही, जिसके बाद लोकल लीडर्स जो रामपुर के थे उन्होंने प्रेशर किया और कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, अब आखिरी निर्णय अखिलेश यादव को लेना है। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद रुचि वीरा के नाम को कंफर्म किया गया कि हाँ ठीक है, आजम खान चाहते हैं अगर रुचि वीरा को लड़ाना तो रुचि वीरा को लड़ाते हैं। एसटी हसन, अगर आप वोट बैंक वहां पर देखते हैं मुरादाबाद का, तो वहां पर एसटी हसन का लड़ना शायद पार्टी के लिए बेहतर होता उस स्थिति में जब रुचि वीरा को टिकट दिया जा रहा था। लेकिन जब विरोध हुआ, आपने देखा विजुअल्स में पोस्टर्स जलाए गए, पार्टी के नेताओं में अंतर्कलह शुरू हो गई, फिर पार्टी ने बैक ट्रैक किया और सुबह होते होते रुचि वीरा से कहा गया कि आप नामांकन दाखिल नहीं करेंगी। इस बीच में रामपुर में भी अखिलेश यादव ने सूत्रों के मुताबिक प्रत्याशी तय कर दिया, मोहिबुल्ला ही यहां से प्रत्याशी होने वाले हैं, जिसकी वजह से आनंद फानंद में चार्टर्ड प्लेन भी बुक किया गया लखनऊ से, और जो चार्टर्ड प्लेन यहां से मुरादाबाद जाएगा नामांकन के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, क्योंकि और कोई जरिया इतनी जल्दी पेपर्स को पहुंचाने का नहीं है। यानी समर्थ, सीधे तौर पर यह दिख रहा है इन दोनों ही जगहों पर, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो एसटी हसन जहां से नामांकन कर रहे हैं, इन सारी जगहों पर एक खास बात दिख रही है कि आजम खान को तवज्जो नहीं दी जा रही। एसटी हसन को वही नहीं चाह रहे थे कि वो, इसलिए शायद अब उन पर फिर से भरोसा जताया गया। यानी दोनों ही जगहों पर आजम खान को तवज्जो नहीं दी गई, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, सीधे तौर पर यह दिख रहा है। अर्पिता, देखिए अब भरोसे की बात अगर यहाँ पर आती है तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का भरोसा एसटी हसन पर ज्यादा होगा। अगर आप नंबर्स की बात करें तो एसटी हसन ने मुरादाबाद जिताया है, करेंटली वो सांसद थे वहां से। रामपुर की अगर आप बात करें, यूं तो चर्चा आजम खान के नाम की होती है, अगर आप पिछले चुनाव उपचुनाव देख लीजिए या विधानसभा चुनाव देख लीजिए, लगातार आजम खान के नाम पर ही पार्टी वहां पर हार रही है। जरूर एक वक्त पर रामपुर आजम खान का गढ़ था, लेकिन सवाल यह है कि आज भी वो आजम खान का गढ़ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान ने अखिलेश यादव से जो मांग रखी कि आप खुद वहां से चुनाव लड़ जाइए, शायद उसके बाद अखिलेश यादव थोड़ा सा उस स्थिति में आ गए थे कि हाँ ये शायद पार्टी के विरोध में चीजें हो जाएंगी, पार्टी में ही अंतर्कलह हो जाएगा अगर अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अखिलेश यादव भी अगर रामपुर से खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा टफ कंपटीशन हो जाएगा ऐसी स्थिति में। अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी अखिलेश यादव इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ते हैं तो वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, इतना लगभग तय है। क्योंकि आजम खान की चर्चा अब धर्मेंद्र यादव के नाम के बाद खत्म हो चुकी है, मैनपुरी से डिंपल यादव पहले ही चुनाव की प्रचार में जुट गई है, और बदायूं से शिवपाल सिंह यादव लगे हुए हैं, तो बचता है कन्नौज। कन्नौज से अगर वो नहीं लड़ेंगे, चौंकाने वाली बात तो वो होगी जब कन्नौज से अखिलेश यादव की जगह कोई और नया नाम है, और उस बीच में आजम खान ने नई चर्चा ये छेड़ दी कि आप आइए और रामपुर से चुनाव लड़िए। तो ऐसे में अगर आप तवज्जो नंबर्स के बल पर देखेंगे, बीजेपी लगातार रामपुर के उपचुनाव जीतती आई है, हालांकि ये सपा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि धंधाली हुई है, तमाम तरीके की चीटिंग्स हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे विनर अगर आप कहेंगे तो बीजेपी ही रामपुर में हुई है। तो इसकी वजह से ये कहा जाना कि आजम खान आज भी रामपुर आजम खान का गढ़ है,
है, शायद इस बात को आजम खान भी खुद प्रूव नहीं कर पाएंगे और इसीलिए पार्टी जो है अब उस स्थिति में है कि हम हर बात आजम खान की नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर हर बात हम मानेंगे तो रुचिवीरा को मुरादाबाद से उतारना शायद समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है उस जगह पर जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। उस स्थिति में अगर रुचिवीरा वहां से खड़ी होती, नंबर एक पार्टी झेलती, पार्टी की अंतर कलह यानी कि जो पार्टी के वहां के नेता है वही इस बात से खुश नहीं, नंबर दो जो वहां का वोट बैंक है क्या वो रुचिवीरा को मिलता, ऐसी स्थिति में जब एसटी हसन वहां से करंट सांसद हैं तो ये बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात यह है कि एसटी हसन इस बात से बहुत नाखुश थे जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली कि रुचिवीरा का नाम भी प्रपोज किया गया उनके नाम की जगह, तो क्योंकि कुछ ऐसी सीट्स हैं वीआईपी सीट्स जो समाजवादी पार्टी की कही जाती हैं, जैसे आपका अमरोहा रहा, जैसे आपका आजमगढ़ रहा, जिनके प्रत्याशी पहले से तय होते हैं। इसका आरोप बीजेपी लगाती है परिवारवाद का, अगर आप यादव लैंड को ले लें, आजमगढ़ को ले लें या तमाम जगहों को ले लें, लेकिन पार्टी का विश्वास यही है कि हम अगर इनको लड़ाएंगे तो यही यहां से चुनाव जिता पाएंगे। और ऐसे में अगर रामपुर में समाजवादी पार्टी ही अब मौलाना महबूबाला नदवी को बना सकती है लोकसभा प्रत्याशी, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं। सपा के सिंबल पर दाखिल करेंगे नामांकन, ये भी खबर, और दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम है, ये नाम आखिरी वक्त पर तय हुआ है समर्थ। अर्पिता बिल्कुल बड़ी बात यही है कि आखिरी वक्त पे, क्योंकि देखिए आजम खान ने पहले जब कहा कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद अखिलेश यादव असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा तो मान लेते हैं, अगर वो चुनाव लड़ने की प्लानिंग नहीं कर रहे तो लीडर ऑपोजिशन विधानसभा में पहले से वो है, नंबर दो अगर वो कर भी रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन अगर कुछ होता है तो कन्नौज है, क्योंकि पिछले तीन साल से पार्टी का आप अगर बात करें योजन सभा या जितने भी पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो कन्नौज को गढ़ बनाए हुए, तो ऐसे में एकदम से अखिलेश यादव रामपुर से आकर अगर चुनाव लड़ते तो इससे नुकसान पार्टी का ही होता। ऐसी स्थिति में सोचा गया कि हम ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करें रामपुर से जो कम से कम जिताऊ तो हो, कम से कम एक चर्चा को और बताऊं मैं, एसटी हसन के नाम को लेकर भी कुछ वक्त चर्चा हुई कि कहीं मुरादाबाद से हम शिफ्ट करके एसटी हसन को रामपुर से उतार देते हैं और मुरादाबाद से जो उनके पसंदीदा हैं रुचिवीरा उनको टिकट दे दिया जाए, लेकिन बात वहां भी नहीं बनी क्योंकि एसटी हसन का गढ़ मुरादाबाद है, वो जो नंबर्स मुरादाबाद में ला सकते हैं वो शायद रामपुर में नहीं ला पाते, तो इस स्थिति के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हुआ और पार्टी ने डिसाइड किया शायद उनके लिए जीत ज्यादा जरूरी है और आजम खान को हर बात को नहीं माना जा सकता, हर चीज में आजम खान को खुश नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद आपने देखा कल शाम को एक पत्र आता और अगर आप पत्र की लैंग्वेज पढ़े तो पत्र में इस तरह से लिखा गया है जैसे रामकुमार को पार्टी द्वारा दरकिनार किया गया है, एक लाइन अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है क्या आजमगढ़ इटावा मैनपुरी यही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या रामपुर का नाम इन सारी चीजों के बाद आता है, आजम खान कहीं ना कहीं पार्टी पर ठीक है समर्थ आप रहिए जरा साथ। तो ऐसे में जब उम्मीदवार कौन हो ये तय करना बहुत मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए, कई सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आया, आखिरी लम्हे पर यह फैसला लिया गया, अब चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई है नामांकन को प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्योंकि वक्त ही नहीं है। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की निशानी नहीं बन रही, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।